Hello students, hi everyone, welcome to Learn Informatics once again. And in today's video I am giving you some MCQ questions and we'll discuss about that. और कुछ questions हैं आपके partnership और company accounts के mix-up questions हैं, वो आज की video के अंदर हम cover करेंगे, ठीक है? तो be ready for that and let's start with these some MCQs. स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सिर्फ कुछ एमसीक्यू हैं पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स के, जो एक सैंपल पेपर में एक तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं इस फर्स्ट आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स के, तो वो आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो उनमें से आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, आप पढ़ो इसको, इनकम एक्सपेंडिचर इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या बेसिक अकाउंट. आज की जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम एनपीओ के, पार्टनरशिप के, डिसोल्यूशन के तक के, साथ में इसके शेयर्स वगैरह के, जितने भी शेयर डिवेंचर के क्वेश्चन के, जितने भी मिक्सअप क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं, उनमें कुछ क्वेश्चन मैं कवर कर लेता हूँ जो एक पेपर में आते हैं. ये नहीं कि बहुत सारे हैं, एक पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 12-13 क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं कवर किया. तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या बेसिक अकाउंट. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्योंकि सिर्फ इनकम एक्सपेंसिस शो करते हैं और इनकम एक्सपेंसिस सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, पर्सनल अकाउंट में किसी नाम से आते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट वो है जिसमें इनकम एक्सपेंसिस शो करते हैं. तो इनकम एक्सपेंडिचर क्या हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है. तो फर्स्ट का आंसर हो गया सी. सेकेंड क्वेश्चन देखो, When the incoming partner brings in his share of premium for goodwill in kind, it is adjusted by crediting to. अगर कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है काइंड में, तो इसको हम किस में क्रेडिट करेंगे? इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सैक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या नन ऑफ द अबव. देखो कैश मिला है या काइंड मिला है, हमारी एंट्री क्या होती है? जब कैश मिलाते हैं तो कैश टू प्रीमियम टू गुडविल करते हैं और फिर प्रीमियम को डिवाइड कर देते हैं. तो बात वो ये है, इसको क्रेडिट कहां पे करना है? इसको डिवाइड करना है प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में. जो पार्टनर्स ओल्ड होते हैं और सैक्रिफाइस कर देते हैं, जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं उन्हीं के शेयर में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो इनकमिंग पार्टनर जब भी गुडविल का शेयर देके आएगा तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, एडजस्ट करते हैं इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो भी कौन से, जो सैक्रिफाइस कर देते हैं. इसका मतलब सेकंड का ऑप्शन है सी, ठीक है? ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, नए पार्टनर में तो हम कभी क्रेडिट करते ही नहीं है और इसलिए वो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं. थर्ड क्वेश्चन देखो, ऑन डिसोल्यूशन पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है, मान लो एक्स और वाई की पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई, इसमें एक्स का लोन यानी पार्टनर का लोन दे रखा 10,000 और मिसिस वाई लोन और वाई की मिसिस का वाइफ का लोन दे रखा 25,000 पे, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर अपीयर हो रहा है. पेमेंट विल बी मेड, क्वेश्चन क्या पूछा, पेमेंट विल बी मेड फर्स्ट टू, पहले किसको दिया जाएगा? तो अगर बैलेंस शीट के अंदर आपके पास पार्टनर का लोन दे रखा है और एक दूसरे पार्टनर की वाइफ का लोन दे रखा है, तो पहले पेमेंट किसकी होगी? रूल्स के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आउटसाइडर को पेमेंट की जाती है. तो पहले आउटसाइडर को, जैसे आउटसाइडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक का लोन हो गया, पार्टनर आउटसाइडर का लोन हो गया, उसके पार्टनर का लोन की बारी आती है, उसके बाद फिर इनके कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट वगैरह होती है. तो इसका मतलब पार्टनर के लोन और पार्टनर की वाइफ के लोन में अगर कंपेयर किया, पहले किसी पेमेंट की जाएगी? पार्टनर का लोन. तो मिसिज वाई लोन की पेमेंट पहले की जाएगी. सेकंड ऑप्शन दे रखा था बोथ ऑफ देम इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ लोन, नहीं, एक्स का लोन पहले पेमेंट नहीं की जाएगी, दोनों की रेशियो में की जाएगी, नहीं. तो तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चारों पढ़ लेना चाहिए कि दोनों में बांट दिया जाएगा, लोन की रेशियो में या दोनों में बांटा जाएगा प्रोफेशनल रेशियो में, ठीक है ना? ये हम जब पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहां तो फिर भी करते हैं, लेकिन यहां पर नॉर्मल रेजोल्यूशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पहले अगर पार्टनर का लोन और पार्टनर की वाइफ का लोन दे रखा है आउटसाइडर, पहले आउटसाइडर के लोन की पेमेंट की जाएगी पार्टनर के लोन से पहले. इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, फोर्थ क्वेश्चन है, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसमें कोई अनडिवाइडेड एसेट है तो उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट? अगर आपके पास बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बाद एडमिशन होता है नया पार्टनर का, उसमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट यानी पुरानी बैलेंस शीट पे है ही नहीं, तो अनरिकॉर्डेड एसेट कहां ट्रांसफर करते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पर रिकॉर्ड करते हैं.
तो अगर आपसे साइड पूछी जाएगी तो साइड बता देना कि एसेट ये रिवॉल्यूशन के राइट साइड पर। तो यहां सिर्फ पूछा है इट विल बी ट्रांसफर्ड, कहां ट्रांसफर किया जाएगा, इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ का डी आएगा राइट साइड पर। गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज अ करंट एसेट, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट या फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल क्या है? गुडविल फिक्स्ड एसेट्स तो हैं, इसका मतलब करंट नहीं है, फिक्टिशियस नहीं है। फिक्स तो हैं, पर टेंजिबल वो तो जिनको हम देख सकते हैं, पर गुडविल को हम देख नहीं सकते, तो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इसलिए गुडविल जो है वो फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ आउट ऑफ, डिबेंचर्स का लॉस ऑन इशू जो होता है उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं? आउट ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बोथ ए एंड बी या नन। जब हम लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एसपीआर है, एसपीआर है तो उसको यूज करेंगे, उसके बाद हम इसमें अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को यूज करते हैं और एंट्री करते हैं एसपीआर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो इसका मतलब इस राइट ऑफ करने के लिए हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, पहले एसपीआर को यूज करते हैं बाद में प्रॉफिट लॉस अकाउंट को। तो एसपीआर और बैलेंस दोनों अलग ऑप्शन दे रखे, पर हम दोनों को इसी सीक्वेंस में यूज करते हैं, बोथ ए एंड बी। तो इसका मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करने के लिए हम दोनों का यूज कर सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखो, गुडविल द फर्म इज टू वैल्यू एट टू इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री इयर्स। लास्ट के तीन साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, एवरेज प्रॉफिट के निकालना है, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 2014-15 का जो प्रॉफिट है वो है 20,000 और उसमें एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 5,000, तो एबनॉर्मल गेन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपका प्रॉफिट रह गया 15,000। 2015-16 का प्रॉफिट दे रखा है 40,000, जिसमें एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है 10,000 रुपए का, तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर लो, कितना हो गया 50,000। 2016-17 का डायरेक्टली प्रॉफिट दे रखा है 40,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1,05,000। ठीक है, यहां से निकाल लो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,05,000 अपॉन 3 मतलब 35,000, और उसके बाद गुडविल निकालनी है, तो गुडविल के लिए पूछा हुआ है 2 इयर्स परचेस, तो 35,000 इंटू 2 मतलब 70,000 आपका आंसर आ गया। तो ये आपको कैलकुलेट कर दिखाना था वन मार्कर क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन होती है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करते हैं? आपको याद है ना जब एसेट्स दे रखे होते हैं तो डेटर्स और प्रोविजन अलग अलग दे रखे होते हैं, डेटर्स को हम एसेट साइड डेबिट साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं और प्रोविजन को हम राइट साइड पर ट्रांसफर करते हैं, तो इसको कहां ट्रांसफर करते हैं हम, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन डाउटफुल को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। टू फॉरफिट द शेयर्स, शेयर्स फॉरफिट करते हुए शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं किस चीज से, विद डैश कैपिटल। याद है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते थे जितना भी अमाउंट, जितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, मान लो 200 शेयर्स हो रहे थे, कितने मल्टीप्लाई करते थे यहां पर, जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है, तो यहां पर क्या आएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं कॉल्ड अप मनी से या कॉल्ड अप कैपिटल से। ओके, फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू ऑफ 45,000 रुपए इज अंडर वैल्यू, यानी फिक्स्ड एसेट्स की 45,000 की बुक वैल्यू है लेकिन वो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, तो आपको वैल्यू बतानी है टू बी शोन, रिवॉल्यूशन अकाउंट में कितना शो करेंगे। मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई चीज, अंडर वैल्यूशन मतलब ये ऑलरेडी वैल्यू कम है, इसको आपको बढ़ा के दिखानी है। मतलब बढ़ा के कैसे दिखानी है, मान लो आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपकी एक्स है और को 10% कम किया गया, तो एक्स में से अगर 10% ऑफ एक्स कम करूं तो उसकी वैल्यू 48,000 आनी चाहिए, यानी कि 10% अंडर वैल्यूड कर दिया, तो हमारे पास ये हो गया 9x/10 इज इक्वल टू 45,000 और x की वैल्यू बन जाती है 45,000 इंटू 10/9 जो कि बनता है हमारा 50,000, यानी हमारी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 50,000। अभी कितनी दे रखी है 45,000, 45,000 की चीज को 50,000 पे अब दिखानी है तो 5,000 बढ़ानी है ना, तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो पूछा हुआ है रिवॉल्यूशन अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, डेबिट या क्रेडिट साइड। ऑप्शन है 4,500 डेबिट, 4,500 क्रेडिट, 5,000 डेबिट या 5,000 क्रेडिट। इसका मतलब आंसर तो आपका हो गया 45,000 रुपए की बढ़ाकर 50,000 दिखानी है, तो 5,000 दिखाना है आपने,
5000 दिखाना है लेकिन बढ़ा के दिखाना है ना, क्योंकि ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, तो इस साइड पे दिखाएंगे। तो बाय फिक्स्ड एसेट्स हम दिखाएंगे 5000 रुपीज, तो क्रेडिट साइड पे 5000 दिखाएंगे। तो आंसर हो गया आपका 10th का डी। गुड्डू एंड बबलू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। गुड्डू ने विड्रॉ किया 1000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड ड्रॉइंग्स। उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना 5% पर एनम, पर एनम नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखो। अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है तो 5% यूज करना है। अमाउंट कितना है देखो, 1000 पर मंथ है तो 12000 पे उसने निकाले। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में, अगर एवरी डे फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ में हम 6.5 मंथ का रूल यूज करते थे, लेकिन वो यूज तब करते हैं जब यहां पे ना 5% पर एनम लिखा हो। ध्यान रखो ये क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाएंगे। खाली 5% लिखा है तो आपको टाइम पीरियड नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ ये आपको यूज करना है 600 रुपीस। ध्यान रखना इस चीज का, 6.5/12 नहीं करना। अगर हाँ, अगर आपको पर एनम लिखा होता तो हम 12000 रुपए का 13/2 है, इसको हम सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते तो आंसर हमारा कितना आता, ₹325 आता। ठीक है, तो वो 325 ऑप्शन वैसे भी नहीं है अगर आप ढूंढते भी, तो ये वैसे भी आपको यूज नहीं करना। आपको डायरेक्टली जब परिणाम नहीं दे रखा तो आपको डायरेक्टली 5% निकालना, 12000 रुपए का 6600 रुपए आपका इंटरेस्ट राइज निकलता है 11th का ये ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, क्यू रिटायर हो गया, उसका शेयर जो है पी एंड क्यू ने, पी और आर ने इक्वल ले लिया, तो गिनी रेशियो निकालनी है। कोई बड़ा काम है ही नहीं, जब उसका शेयर क्यू का शेयर पी और आर इक्वली ले गए हैं, तो इक्वली ले गए हैं तो ये गेन ही तो हो रहा है जितने में लेके गए हैं, तो इसका मतलब यहां पर गेनिंग रेशियो जो पी और आर की है वो इक्वली तो है 1:1। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। आप क्या करोगे, आप ओल्ड रेशियो लिखोगे 4:3:2 और उसके बाद लिखोगे ए पी ने इतना लिया, आर ने इतना लिया, बी पी ने कितना लिया, इक्वल इक्वल लिया ना, इसका शेयर 3/9 का क्यू का, तो 3/9 का हाफ ले गया, और क्यू ने और आर कितना ले गया, आर ले गया उसी 3/9 का हाफ, तो 3 को काटेंगे तो 1/6 ये ले गया और 1/6 ये ले गया। ठीक है ना, ये तो ले गए, तो 1/6 जो ले गए वही तुम्हारा गेनिंग रेशियो है। न्यू रेशियो निकालते तो हम ओल्ड रेशियो में ये वाला ऐड कर देते तो न्यू रेशियो निकल आती, तो अब गेनिंग रेशियो आपके पास डायरेक्टली 1:1 निकल के आ रही है। 13th क्वेश्चन, द बैलेंस इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट IFF के अंदर आफ्टर मीटिंग द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो फॉल होती है तो हम क्या करते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड दे रखा है आपको, जितना भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 30,000 रुपए दे रखा है, उसमें आपके पास कोई बुक वैल्यू में फॉल आया इन्वेस्टमेंट्स में, तो उतना नुकसान यहां पर हम कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वहां से 5,000 रुपए या 7,000 रुपए हमने निकाल ली, जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉली, उसके बचा हुआ 25,000 कहां डालते हैं, जो एडमिशन के टाइम पर IFF में से सारी बुक वैल्यू में फॉल को मीट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या जनरल रिजर्व, कहां ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान रखना IFR का बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को फॉल में जो आया उसको एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, जितने पार्टनर्स होते हैं उसको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है। यहां पे ऑल ही आ जाएंगे, एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट टाइम पे भी चलेगा, लेकिन आपको हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसको। ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करा दिए थे, कुछ डिफरेंट थे, मैंने आज आपकी वीडियो में कवर कर दिया। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे, और आने वाली क्लासेस के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत सारे ऐसे और आपको क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। तो बने रहो, बी कनेक्टेड, बी सेफ, बी हेल्दी, बी एट होम। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।